ज़्यादा जो दिक्कत होता है बच्चों को वो 1600 में होता है। 1600 में 20 लाख का दो आता है, जिसमें 8-10 इतना ही बचे आप तो जाते जाते आपका जो डॉक्यूमेंट का ये होने के बाद आपको दौड़ा दिया जाता है 1600। 1600 आप दौड़ के आता होगा, उसके बाद हाइट में होता है। मेनली दो ही चीज़ होता है, दो बार CPU का फिजिकल निकालें, तेज दौड़िए। आप इस चक्कर में नहीं आइए ना एकेडमी के चक्कर में आइए कि स्लो ले जाएंगे कितना ले जाएंगे, वो अपने एकेडमी चमकाने के चक्कर में आपका भविष्य खराब कर देंगे। इसलिए आप तेज दौड़िए। तो अभी हुआ था वो 12 बटालियन है SSB का किशनगंज, तो वहाँ हम लोगों को फील्ड में दो, थोड़ा सा भी आप इधर होते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। ऊपर सा है 6 मिनट आपको करीब होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं CPU में दो में ही छट जाते हैं, वो भी 1600 में। नहीं दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो पिछला एक इंटरव्यू हमने नागेंद्र भैया का अपलोड किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि SSCPU में अभी सिलेक्टेड हैं, SI में अभी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि बच्चों को एक फिज़िकल और मेडिकल का वीडियो सेपरेट करके, कि एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका फिज़िकल और मेडिकल होगा, तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम फिज़िकल के बारे में बात करेंगे कि कैसे तैयारी करें आप, किसमें लड़के ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी नागेंद्र भैया से हम बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहे। फिजिकल में क्या क्या होता है थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए। फिजिकल में सबसे पहले 1600 का दौड़ होता है, 1600 मीटर, जिसमें 6.5 समय मिलता है। उसके बाद एक और दौड़ होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, उसके बाद हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट फाड़ना होता है, और जो हाई जंप होता है वो 3-11 होता है। हाई जंप में मतलब किस प्रकार का, सीजर मांगता है या टाइगर जंप? नहीं, CPU में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैसे फाने, आप कैसे भी फाने उतना आपको हाइट फानना है। हाँ, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है बच्चों को वो 1600 में होता है। 1600 में 20 लाख का दो आता है, जिसमें 8-10 इतना ही बचे आ पाते हैं, बाकी सब मतलब इसी दो में दिक्कत हो जाता है, इसी दो में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, फिजिकल में मुख्य रूप से किन किन बातों को बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि फिजिकल जाते हैं लोग तो डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन वगैरह होता है या दौड़ शुरू हो जाता है, पहले क्या होता है? हाँ, पहले जब आप आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट का वो लोग बताएंगे कि कैसे क्या करना है, सब डॉक्यूमेंट लगाना होता है जो भी आपको है। उसके बाद एडमिट कार्ड ले जाना होता है, आधार कार्ड वगैरह ले जाना होता है। उसके बाद आपको बैच बना देंगे, बैच वाइज आपको दो आएंगे। हाँ, तो पहले कौन सा दौड़ता है, 1600 वाला या 100 मीटर? पहले आप जाइएगा तो जाते जाते आपका जो डॉक्यूमेंट का ये होने के बाद आपको दौड़ा दिया जाता है 1600। 1600 आप दौड़ के आते हैं, उसके बाद आपको डिपेंड करता है कि वो मतलब क्या आते हैं। जैसे मेरा क्या हुआ था कि पहले 1600 हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था कि लॉन्ग जंप हो गया, उसके बाद हाई जंप हो गया, और उसके बाद मैं 100 मीटर का दौड़ हो गया। हाँ, सबसे लास्ट में। हाँ, और उसके बाद गोला फेंकवाते हैं लोग, गोला भी। हाँ, गोला भी फेंकवाते हैं, और उसके बाद आपको उसके बाद PST होता है, जिसमें मेजरमेंट करते हैं चेस्ट हाइट ये सब। हाइट वाला सबसे लास्ट में होता है ये सब। हाँ, होने का PST जनरली लास्ट में होता है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपको पहले चेस्ट मेजर होगा, उसके बाद हाइट मेजर होता है। मेनली दो ही चीज़ होता है, वजन भी। हाँ, में कोई छंटता नहीं है, जैसे आपका वजन एक्स्ट्रा भी है ना, तो वजन जो है वो मेडिकल का सब्जेक्ट माना जाता है, तो वजन में कोई छंटता नहीं है उसमें। हाँ, उसके लिए आपको छोड़ देगा, पास कर देगा लोग। आप जब मेडिकल में जाइएगा तो वजन कम करके जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे हाइट के हिसाब से वजन आपका देखा जाता है। हाँ नहीं, फिजिकल में वजन से कोई मतलब नहीं। गोला कितना फेंकना रहता है इसमें? गोला 16 पाउंड का गोला रहता है, आपको फेंकना होता है 12 फीट। तो इसमें कुछ चांस वगैरह मिलते हैं? 2 टाइम या 3 टाइम? 3 टाइम आपको चांस मिलेगा। गोला सभी फेंक लेते हैं, गोला में किसी भी 3 चांस मिलता है, और लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिलता है। CPU का दौड़ का हम मतलब बहुत अच्छा धावक हैं, हमेशा 2 साल 2 बार CPU का फिजिकल निकाले हैं, और दोनों में 2nd नंबर पर दौड़ में आए हैं। तो दौड़ का ये है CPU का, पर्टिकुलर CPU का, कि आप तेज दौड़िए। आप इस चक्कर में नहीं आइए ना एकेडमी के चक्कर में आइए कि स्लो ले जाएंगे कितना ले जाएंगे, वो अपने एकेडमी चमकाने के चक्कर में आपका भविष्य खराब कर देंगे। इसलिए आप तेज दौड़िए, आप फर्स्ट दिन से ही जानिए कि हम कंपटीशन में हैं, हमको 6.5 के अंदर आना है। जब यहाँ आपको कम टाइम लगेगा तभी वहाँ लगेगा, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ बहुत टाइम लगा है वहाँ आपका कम लग जाएगा, नहीं लगेगा। इसलिए समय के अगेंस्ट तैयारी कीजिए, समय हमेशा देख के कीजिए, अर्निंग हमेशा तेज कीजिए इसके लिए। हाँ, स्लो नहीं, ना।
अच्छा भैया, मतलब ग्राउंड वगैरह पे दौड़ाते हैं रनिंग वगैरह की, मतलब रोड वगैरह पे? वहाँ देखिए डिपेंड करता है कि आपका किस से कहाँ सेंटर है, वहाँ व्यवस्था क्या है। जैसे मैं अब 20 में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हम लोगों को ग्राउंड पे दो ये फिर रोड पे दौड़ाया था। और यहाँ जो अभी हुआ था वो 12 बटालियन है SSB का किशनगंज, तो वहाँ हम लोगों को फील्ड में दौड़ाया, तो फील्ड एकदम अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम घास का मैदान था, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। हाँ, और कितना बजे से शुरू हो जाता है दौड़ वगैरह वहाँ जाने पे? दौड़ देखिए आपका 6 बजे से एंट्री हो जाता है। एंट्री होने के बाद बैच बना देते हैं वो लोग, रनिंग चलते रहता है सब प्रोसेस से। जैसे फर्स्ट में 1600 हो गया, उसके बाद बच्चे बैठे हैं, उसके बाद सब जब 1600 सारा टीम 1600 कर लेगा, उसके बाद अगले प्रोसेस के लिए ले जाएंगे, उसके बाद अगले प्रोसेस के लिए जाएंगे, ऐसे ऐसे कर देते हैं। सब में पूरा दिन को लग जाता है? हाँ, पूरा दिन लग जाता है, शाम तक लोग छोड़ता है। और फिजिकल में आप बच्चों को बताएंगे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बाकी सब तो हम लोग बता ही दिए। ओवरऑल 1600 जो है, 1600 मेन हर्डल होता है किसी भी बच्चे के लिए। 1600 जो पार कर लेता है उसका फिजिकल हो ही जाता है, तो 1600 बनाने के लिए आप तेज से तेज प्रैक्टिस करें और समय देख कर प्रैक्टिस करें। ये नहीं सोचें कि स्लो दौड़ लेंगे, नज़दीक समय आएगा तो तेज़ दौड़ का प्रैक्टिस कर लें। हाँ, स्टार्टिंग से ही तेज़ दौड़िए, एकदम 1600 कंप्लीट होगा। हम ऐसे ही दौड़ते थे, हमेशा मैं 6 लगता था, 6-5 लगता था, वहाँ पे भी मैं 6-5 लगा था। हम दूसरे लड़के थे जो इंटर किए, तो दौड़ में यही है कि तेज़ दौड़िए, जितने तेज़ दौड़िएगा उतना ही आपका बेनिफिट होगा। आप सोचिएगा कि स्लो दौड़ के हम निकाल लें तो नहीं निकलेगा। अच्छा नगेंद्र भैया, कुछ बच्चों को रहता है जैसे कि 6.5 मिनट टाइम है, जैसे कि आर्मी वगैरह का दौड़ होता है टाइम रहता है 5:45, लेकिन 5:10, 5:20 तक लड़कों को, तो इसमें क्या? नहीं, इसमें आपको कैमरा लगा होता है और एकदम आपको टाइम से जाना है। टाइम से थोड़ा सा भी आप इधर होते हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, मतलब हाँ ऊपर साढ़े 6 मिनट आपको मिलेगा। कोई इसमें ही नहीं है कि आपको कमे में कोई गिरा देगा चाहे कुछ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एकदम ऊपर जितना साढ़े 6 मिनट है उतना मिलता है हर जगह, कोई हाँ चीप नहीं लगता है। वहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो अपना टाइम देखता है और जवान उसको रोकते हैं, जैसे 6:30 से बाद गिनती स्टार्ट कर देता है लोग 6 के बाद। हाँ, तो वो होता है, हाँ अलार्म लगा आता है, 3-4 घड़ी लगा होता है। कोई किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होता है, जो आ गया वो आ गया। अच्छा भैया, बैच में कितने लड़के दौड़ते हैं एक बार में? 20 दो आता है लोग, 20। हाँ, अब किसी में कम हो गया, 16 हो गया, किसी में कुछ हो गया, लेकिन बच्चे जो जुटते हैं उसी हिसाब से वो लोग बैच बना देते हैं। जैसे 100 लड़के जुटे तो 5 बैच बना दिए और 5 बैच में अपना ई कर लिए। मिनिमम मैक्सिमम मानना चले कि 20 लड़का का मतलब होता है? हाँ, 20 उसमें मैक्सिमम 15-17। हाँ हाँ, और उसमें लड़के जो सेलेक्ट होते हैं हाफ के करीब होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं CPO में 2 में ही छट जाते हैं, वो भी 1600 में। देखिए, हम भी मुख्य यही बता रहे थे कि CPO होता है थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश वगैरह पूछता है, जिसको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा पूरा, मतलब उसका बायोडाटा हम लोग बताएँ कि कैसे तैयारी करें नगेंद्र भैया से। इस वीडियो में हम लोग मुख्य यही बात कर रहे थे कि फिजिकल के बारे में, और जो ही बच्चे CPO का तैयारी कर 16 फीट। हाँ, तो नगेंद्र भैया ने बताया जैसे कि गोला आपको 16 फीट फेंकना है, जैसे लिखा भी रहता है कि कितना क्राइटेरिया, सब लिखा ही रहता है। तो मुख्य रूप से हम लोग यही चाहते थे इस वीडियो में कि नगेंद्र भैया बताएँ, ताकि बच्चों को लगे जो कि जोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि हम पढ़ते रहें बाद में देख लेंगे। हाँ, और वही रिटर्न पर फोकस करते हैं और हेल्थ ज़्यादा है तो आप दौड़ते नहीं हैं, उसके बाद रनिंग में छट के आ जाते हैं, उसके बाद भविष्य खराब हो जाता है। दौड़ इसका सबसे बड़ा हर्डल है 1600, और 1600 में एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के लिए आपको तेज़ दौड़ना ही पड़ेगा। आप जितना तेज़ दौड़िए समय के हिसाब से दौड़िए, अकाडमी के चक्कर में मत पड़िए, कोई अकाडमी वाले आपको नहीं पास करा देंगे, आपको अपने पास होना है। मेहनत आप कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, समय देख के कीजिए, किसी से समय दिखवाइए। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। आप लोग थोड़ा सा दौड़ते भी रहिए, रनिंग करते रहिए और वज़न को कम रखिए, और धीरे धीरे आपका निकल जाएगा। और इस वीडियो के बाद हम लोग मेडिकल का वीडियो बनाएंगे, तो ये लंबा हो जाता है, इस वजह से वीडियो को इसी पे समाप्त करेंगे। तो जो भी CPO के बच्चे हैं, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनको लग रहा है कट ऑफ एनालिसिस करेंगे बाद में, तो आ रहे हैं तो वीडियो देखिए। आपको फिजिकल में ये सब चीज़ें होती है, और मेडिकल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।